नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023, अब दोस्तों जिस घड़ी का था हम सबको इंतजार, वह घड़ी आ चुकी है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की वेबसाइट लॉन्च होगी और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों लॉन्च हो चुकी है। किस तरह से दिखेंगी वो पूरा मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल मतलब वेबसाइट जो है लॉन्च हो चुकी है। किस तरह से पूरा कार्य होगा, अधिकारी कर्मचारीगण क्या लॉगिन कर किस तरह से कार्य करेंगे, और आम नागरिक वो किस तरह से पूरा अपने आवेदन की स्थिति और पावती और बाकी सारी चीजें देख सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। दोनों के लिए जो है लॉन्च हुई है, ऐप भी और वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, आम नागरिक के लिए भी और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी। ठीक है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारीगण ऐप में लॉगिन कर पूरे कार्य करेंगे, उसी प्रकार आम नागरिक ओपन पोर्टल से सारी चीजें देख सकेंगे। ठीक है, तो उसी पर दोस्तों पूरा वीडियो है, तो इसमें ध्यान से देखिए क्योंकि एक एक चीज आपके काम की है। अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी वीडियो है दोस्तों, और आम नागरिक के लिए भी। तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अब जो है वेबसाइट भी लॉन्च होने जा रही है और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रही है, तो मैं उसका आज प्रारूप भी दिखा देता हूँ किस तरह से होगी। हम बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी और आम नागरिक के लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी वो देख लेते हैं। वो जो फॉर्म है ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय या कैंप स्तर पर उपलब्ध रहेंगे, महिला को स्वयं उपस्थित होना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो भी आवेदिका है महिला उनको स्वयं उपस्थित होना होगा। फॉर्म में उपलब्ध जानकारी की कैंप स्थल ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर पोर्टल ऐप में डाटा एंट्री होगी। मतलब दोस्तों, जो हम ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय या फिर कैंप में स्थल पर सीधे जो है पोर्टल या ऐप में डाटा एंट्री होगी, वो पोर्टल ऐप भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। समग्र में आधार EKYC का सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद महिला का फोटो लिया जाएगा। तो दोस्तों वहीं पर फोटो भी लिया जाएगा महिला का, आवेदिका का, फिर आधार लिंक, बैंक अकाउंट एवं DBT सक्रिय स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। ये ग्राम पंचायत के लॉगिन पर ही उपलब्ध रहेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आधार लिंक बैंक अकाउंट है या नहीं तो वो वही देखा जाएगा। आवेदन के ऑनलाइन क्रमांक को दर्ज होने पर आवेदक को पावती भी दी जाएगी। ठीक है, आवेदन जो ऑनलाइन क्रमांक जो आएगा उसका उसको लिख कर फिर पावती दी जाएगी। अंतिम सूची प्रकाशित होने के उपरांत भुगतान सिंगल क्लिक से जून माह में प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये आवेदन प्रक्रिया है। एक और देख लेते हैं हम, आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा। समग्र परिवार और सदस्य ID, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार ID अथवा सदस्य ID, आधार कार्ड लगेगा, UIDAI द्वारा जारी फोटो ID, आधार कार्ड जो है, मोबाइल नंबर लगेगा, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर ये जरूर लगेगा। अब आवेदन पूर्व तैयारियां क्या कर लेना है, तो समग्र आधार EKYC होना चाहिए, समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान होना चाहिए। EKYC न होने की स्थिति में आवेदन ग्राह्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है, संयुक्त खाता जो रहेगा वो मान्य नहीं होगा। बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए, महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। अब आवेदक महिला से अपेक्षा की क्या की जाएगी, कैंप से पूर्व और कैंप स्थल पर। कैंप से पूर्व यह अपेक्षा की जाएगी कि उस पर जाकर समग्र में आधार EKYC करा लें, यह मुफ्त में होता है। यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक जाकर खुलवा लें, बैंक संबंधित बैंक कियोस्क पर जाकर अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करा लें। अब दोस्तों ये सब मेरा भी वीडियो ना आया तो कियोस्क पर चार्जेस लगेंगे, अपने स्वयं यदि करते हैं समग्र में EKYC तो कोई चार्जेस नहीं है, या फिर ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में करते हैं तो चार्जेस नहीं है, लेकिन कियोस्क पर हैं। ठीक है, और MP ऑनलाइन, CSE सेंटर, इन पर भी हैं। कैंप स्थल पर क्या करना है, अपना समग्र ID लेकर आना है, अपना आधार कार्ड लेकर आना है, अपना लाइव फोटो खिंचवाएं, वहीं पर फोटो भी खींचेगा कैंप स्थल पर। पोर्टल ऐप से आवेदन की डाटा एंट्री पूर्ण होने पर पावती लेना है, जिसमें आवेदन क्रमांक दर्ज हो वही लेना है। ठीक है, लेना ना भूलें। अब है समग्र आधार EKYC, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने हेतु समग्र ID को EKYC द्वारा आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
समग्र आईडी में आधार केवाईसी हेतु आपके पास निम्न चार विकल्प हैं, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी और समग्र पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा हुआ भी है पूरा, ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से ई केवाईसी करना है, क्या क्या चार्जेस रखे गए हैं, तो वो हमने पूरा देख लिया है। इसके बाद अन्य आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, ये हमने अपडेशन संबंधित भी बातें कर ली हैं। अब इसके बाद हम सीधे आते हैं मोबाइल ऐप और पोर्टल पर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, तो ये जो अधिकारियों के लिए लिए रहेगा, विभागीय उपयोग हेतु रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, LBA, ठीक है, LB लाडली बहना एडमिन डॉट एमपी डॉट जीओवी डॉट इन, मतलब अधिकारी कर्मचारी गण के लिए क्या रहेगा, लॉग इन का जो वेब पोर्टल रहेगा वो रहेगा LB लाडली बहना एडमिन LBadmin.mp.gov.in। और मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल जो आम नागरिक के लिए क्या रहेगा, सामान्य जन के उपयोग हेतु CM लाडली बहना.mp.gov.in, मतलब CMLADLIBAHNA.mp.gov.in, ठीक है, ये रहेगा आम व्यक्तियों के लिए। तो इसमें क्या करेंगे अधिकारी लोग जो हैं, ग्राम पंचायत सचिव या फिर GRS महोदय या वार्ड अधिकारी, क्या करना है वो क्या करेंगे, GRS सचिव वार्ड अधिकारी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय लॉगिन रहेगा इस पर, फिर आवेदन पत्रों को भरना, डैशबोर्ड एवं रिपोर्ट्स रहेगी, आपत्ति निराकरण, अंतिम सूची का सत्यापन, DBT आधारित भुगतान। अब आम नागरिक जो है दोस्तों, वो योजना की जानकारी, शासन आदेश देख सकते हैं यहाँ से CMLadlibahna.mp.gov.in पर, अंतिम सूची का प्रकाशन देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराना, अंतिम सूची प्रकाशन देख सकते हैं, आवेदन की स्थिति पावती डाउनलोड इससे कर सकते हैं, ठीक है, सामान्य जन के लिए। मोबाइल ऐप, अब मोबाइल ऐप पर आते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का मोबाइल ऐप जो है इस तरह से दिखेगा, महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल, आगे बढ़े। ये दोस्तों बन चुका है, बस लॉन्च होने वाला है, तो आपको इसलिए मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ किस तरह से इसका प्रारूप रहेगा, किस तरह से दिखेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप होम स्क्रीन दिखेगी इधर इस तरह से, जैसा भी आपने देखा। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा, क्लिक करेंगे तो ये जो अधिकारी कर्मचारी गण के लिए ऐप रहेगी, तो उसमें लॉगिन रहेगा, यूजर नेम रहेगा आपका और पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद कैप्चा यहाँ दिखेगा और इसको यहाँ प्रवेश करना, फिर लॉगिन करने पर क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, इसमें समग्र पोर्टल के आईडी पासवर्ड का ही कोई दर्ज करना है और कैप्चा डालना है, जो समग्र पोर्टल पर हम चलाते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड वही। सचिव GRS और वार्ड अधिकारी द्वारा स्वयं के समग्र पोर्टल के यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लाडली बहना पोर्टल पर आवेदन भरे जा सकेंगे, लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप इस तरह से दिखने लगेगा, योजना के बारे में यहाँ जानकारी आ जाएगी, उद्देश्य, पात्रता है सब। इसके बाद हमें क्लिक कहाँ करना है, इस तरह विभागीय यूजर यहाँ दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है विभागीय यूजर पर, ठीक है। इसका लॉगिन करने पर ऐप की होम स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। इसके बाद क्या करना है, ये 3 डॉटेड लाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखने लगेगा, जिनके लॉगिन से फॉर्म भरा जा रहा है उनकी जानकारी यहाँ दिखाई देगी। आवेदन के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। इसके लॉगिन के लिए हमें आवेदन भरें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप में हमें क्या करना है, समग्र आईडी आएगा और समग्र परिवार आईडी, परिवार सदस्य आईडी में से किसी एक को चुने, परिवार सदस्य आईडी दर्ज करे, कैप्चा को दर्ज कर आगे बढ़ाए। दोस्तों परिवार आईडी भी आप डाल सकते हैं 8 अंकों की, उससे क्या होगा, घर में जो जो पात्र हैं उन सभी को आप सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे एक घर मान लीजिए 3 भाई हैं, तीनों की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग परिवार माना जाएगा और उनके सभी के नाम इसमें जो है आवेदिका के लिए जाएंगे। तो समग्र परिवार आईडी प्रविष्ट कर दी हमने यहाँ सेलेक्ट कर, कैप्चा कोड को यहाँ इंसर्ट किया, आगे बढ़े पर क्लिक किया। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह से आएगा, परिवार में दर्ज समस्त सदस्यों की सूची दिखाई देगी, सूची में केवल 23 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिला को ही चुना जा सकेगा, अन्य अपात्र रहेंगे। तो 23 से 60 वर्ष वाली जो महिलाएं वही सेलेक्ट होंगी और जो पुरुष होंगे वो अपात्र हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि महिला होना जरूरी है और 23 से 60 वर्ष के बीच की होना जरूरी है। तो इस तरह से दिखेगा भी आपको, समग्र सदस्य आईडी, सदस्य का नाम, आयु, विवाह की स्थिति, लिंग, जन्मतिथि, ई केवाईसी सत्यापन स्थिति, फिर आवेदिका का चयन करें, हमें चेकबॉक्स पर क्लिक करना है चयन करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना है, ये मैं आज प्राथमिक तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाएगी तो मैं आपको मोबाइल से भी कर दिखा दूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप, तो यहाँ आपने सब देख लिया है,
यहाँ देख ले महिला की जानकारी में ईकेवाईसी, बैंक खाते से आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय स्त्री देख सकते हैं। जैसे ईकेवाईसी है, बैंक खाते से आधार लिंक है तो नहीं है तो ये इनको करवाना पड़ेगा कि आधार में डीबीटी सक्रिय है नहीं है, तो इसकी स्वघोषणा नीचे होगी। यहाँ चेकबॉक्स करना पड़ेगा कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा 6 दिवस के भीतर मेरा बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सहित करवा लिया जाएगा। मुझे यह भी ज्ञात है उक्त प्रक्रिया के बिना मुझे राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पत्र में आवेदिका द्वारा दी गई घोषणाएं सारी आ जाएंगी जो हम डेली देख रहे हैं। फिर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पूरा फोटो आएगा, उनका पहला बाय डिफॉल्ट जो आधार से फोटो रहेगा वो दिखेगा। इसके बाद यहाँ क्लिक करना आवेदिका का फोटो ऑनलाइन लेने के लिए, तो मोबाइल कैमरे से ही ऑनलाइन आप ले सकेंगे, इसके लिए कोई अलग कैमरे की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मोबाइल से जो है फोटो ले सकेंगे। पहली फोटो आधार में दर्ज फोटो दिखाई देगी, दूसरा महिला को वेब कैम के सामने सही तरीके से बैठा कर यहाँ क्लिक करें, फोटो का मिलान करें। तो मोबाइल कैमरा भी लिखा है तो मोबाइल कैमरे से भी आप ले सकते हैं। क्या दोनों फोटो एक ही महिला की है, तो वहाँ पर क्लिक करना रहेगा देख के। इसके बाद यहाँ पर हमने चेक कर लिया, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, इस तरह से फोटो आ जाएगी। जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और फिर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे हम। फिर आ जाएगा दोस्तों सामान्य जानकारी पूरी दिखने लगेगी उनकी जानकारी। फिर आगे बढ़े देख पर क्लिक कर दें, रजिस्टर मोबाइल नंबर देख लें, यदि यही व्हाट्सएप नंबर भी है तो इसी को आप चेक बॉक्स पर चेक कर दें और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यदि यही व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो यहाँ अलग नंबर दे दें और उसके बाद आगे इस यहाँ हाँ पर क्लिक कर दें। इस योजना की जानकारी प्राप्त करने के आप अन्य मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं, यदि और कोई सा मोबाइल नंबर दर्ज करना है तो यहाँ क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दो। यहाँ क्योंकि इसी नंबर पर आवेदक अपने फॉर्म भरने के पश्चात SMS और व्हाट्सएप पावती जानकारी मिलेगी, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर या मेन नंबर है, वही यहाँ पर डालें, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। इस प्रकार आवेदन फॉर्म दिख जाएगा, आवेदन का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। OTP द्वारा सत्यापित एवं सबमिट करें, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सब जानकारी आ जाएगी। यहाँ चेकबॉक्स करना है, OTP सबमिट करें। समग्र में रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया गया, अन्य मोबाइल कोड नंबर दिया तो वो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, OTP यहाँ पर प्रविष्ट करना हमें, ठीक है। OTP द्वारा सत्यापित पूर्व सबमिट करें पर क्लिक करेंगे हम। फिर सक्सेस आएगा, सक्सेस आने के बाद यहाँ आ जाएगा आपके आवेदन की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। आपका आवेदन क्रमांक, ये आवेदन क्रमांक संभाल के रखें, ये आपका आवेदन क्रमांक आपको जो पावती मिलेगी उस पर भी लिखकर दिया जाएगा, ठीक है। और आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित होने पर ऑनलाइन आवेदन का यह नंबर दिखाई देगा। आवेदन पत्र की पावती में ऑनलाइन आवेदन का यह नंबर लिखना है, इसके पश्चात पावती को फाड़कर लाडली बहना को देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी विवरण। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कैमरा ठीक से लगा होना चाहिए एवं उसके सामने की तरफ आवेदिका को बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, जिससे आवेदिका फोटो आसानी से लिया जा सके। मोबाइल से भी ले सकते हैं या वेब कैम से भी। ग्राम से जिनका ईकेवाईसी हो गया उसकी सूची कैंप में प्रिंट करके रखें। इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, भरे हुए आवेदन पत्र में से पावती फाड़कर आवेदिका को दे दें। इस तरह से दोस्तों हमें पूरा लिखना है। तो ये मैंने आपको आज बताया, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई दोस्तों जो कि हमें अब करना ही है आगे, ठीक है। तो आज हमने जो है मेन देख लिया किस तरह से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च हो रहा है उसका क्या वेबसाइट रहेगी, ठीक है, किस तरह से ऐप दिखेगी, किस तरह से कार्य करना है, अधिकारी कर्मचारीगण को भी, आम नागरिक भी किस तरह से जानकारी देख सकेंगे, वो सब दोस्तों। और भी इस पर जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको अवगत कराते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।